नमस्कार, हम हैं ईशानी प्रियम और रवा लोगन के स्वागत बा लाइव सिटीज के भोजपुरी बुलेटिन में। तो चलिए शुरू कर जाओ दनादन खबरन के सिलसिला। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर परीक्षा में बड़ बदलाव। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर देहलन जानकारी। आंसर शीट पर पहले से रही स्टूडेंट के डिटेल। 6 से 20 दिसंबर तक होगी 11वीं के रजिस्ट्रेशन। लालू यादव से मिले रांची रिम्स पहुंचलन राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह। मिलला के बाद सदलन सीबीआई पर निशाना। कलन 2019 के एक ही मकसद हरावे के बाद बीजेपी के। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के सीएम नीतीश पर बड़ हमला। कहलन ऐसन कोई सगा नहीं खे जकरा के नीतीश जी ठगले नहीं खन। वर्तमान सरकार हर मोड़ पे हो रहल बा विफल। दरभंगा सांसद कीर्ति आजाद देलन बीजेपी के चुनौती। कहलन अगर दम बात तो राम मंदिर बनावे के बिल लावे सरकार। बोलन 4.5 साल बाद अब आ रहल बा मंदिर के याद। राम मंदिर पर मंत्री खुर्शीद अहमद के बयान। शिवसेना और संघ के धर्म सभा पर जतवले आपत्ति। कहलन हुरदंग से मंदिर मस्जिद के ना हो सकेला निर्माण। मामला कोर्ट के विचाराधीन। गया में शिक्षक महासंगम में पहुंचन गृह मंत्री राजनाथ सिंह। कहलन ज्ञान के साथ साथ संस्कार के बड़ महत्व। शिक्षा में सुधार पर राजनाथ देलन जोर। बिहार में खत्म भइल डॉक्टरन के हड़ताल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आश्वासन के बाद काम पर लौट गए डॉक्टर। सरकारी अस्पताल में बहाल भइल ओपीडी सेवा। 5 दिन के अल्टीमेट। पीएमसीएच के डॉक्टरन के काम पर लौटला के साथ ही शुरू भइल नर्सन के हंगामा। इमरजेंसी वार्ड में भइल मारपीट के विरोध में प्रदर्शन। आश्वासन के बाद काम पर लौट गई नर्स। नवादा में शराब के लदल वाहन कुचल देलस होमगार्ड के जवान के। घटना में चल गए जवान के जान। रोड किनारे खड़ा होके करत रहे ड्यूटी। अब बात भोजपुरी सिनेमा जगत के। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और काजल राघवानी के बहुत हॉट वीडियो भइल वायरल। मैंने उनको सजन चुन लिया गाना के मेकिंग में दिख रहल बारे दुनू। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहल बा वीडियो। तो ई रहे आज दिन भर के भोजपुरिया समाचार। खबरन के अपडेट खातिर जुड़े रही लाइव सिटीज़ .in के साथ। नमस्कार।